खबर यूपी चंदौली से है। कैबिनेट मंत्री उमा भारती पहुंची पंडित दीनदयाल नगर स्थित बाकले ग्राउंड। ट्रेन लेट होने के कारण पहुंची बाकले ग्राउंड। 12309 पटना राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए पहुंची है पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन। उमा भारती को देखने के लिए जुटी भारी भीड़। ग्राउंड के आसपास भारी पुलिस बल तैनात। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पत्रकार वार्ता में कहा, चुनाव के पहले मीडिया को याद आते हैं, भगवान राम को हम 24 घंटे याद करते हैं। मीडिया से कहा, आप चलो मेरे साथ कर सेवा करने, मैं कई बार राम मंदिर मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हूं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि वहां विश्व की सबसे बड़ी राम जी की प्रतिमा बनेगी। राम मंदिर निर्माण पर बाकी सवाल का जवाब योगी जी से पूछिए, उन्होंने पीढ़ियों राम भक्ति की, हिंदुत्व की रक्षा की है। मैंने हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा, राम मंदिर निर्माण को लेकर मेरे विचार सबको मालूम होना चाहिए कि राम मंदिर मुद्दे पर मुझे क्या सलाह देनी है, उसे मैं उचित प्लेटफॉर्म पर ही उठाऊंगी, ये मेरा वादा है। और आप अयोध्या पे पूछने लगे, तो चुनाव के पहले आपको अयोध्या याद आ रही ना, हमें तो हमेशा याद आती है। पहले तो ये स्वीकार कर लो और रिकॉर्डिंग में स्वीकार करो कि हम 24 घंटे राम को याद रखते हैं, आप मीडिया वाले हैं जो सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं राम को, ठीक है। अब बात आ गई, क्योंकि अभी मैंने तो नहीं बुलाया आपको, नहीं ठीक बात है, ठीक है। और आपने सीधे अयोध्या ही पूछा, इसका मतलब कि आप चुनाव के पहले अयोध्या की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात पर। नहीं, आप खड़े थे तो मुझे आपसे बिना मिले आपकी अवहेलना थोड़े करती हूँ। अब आपने पूछा भव्य राम का वहाँ प्रतिमा बन रही है, बहुत मैं तो उस समाचार से बहुत खुश हूँ। चलो अब बताओ आगे, राम मंदिर भी बनना चाहिए वहाँ, इसमें आप चलो ना मेरे साथ कार सेवा करने। मैं तो हर जगह बोल चुकी, मैं उसी बात को कितनी बार रिपीट करूं, आपके सारे चैनल के ऊपर मैं बोल चुकी हूं, आप उसी को रिकॉर्डिंग को रिपीट करो। अब उसमें स्टैंड में बदलाव थोड़े कर रही हूं मैं, तो नई बात क्या बोलूं उसमें। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए भी है कि मैं एकदम राम जन्मभूमि के पास रहने वाला हूँ। चलो चलो ना आप मेरे साथ, अच्छी कितना अच्छा लगा मुझे ये सुन करके कि शंकर जी की नगरी में अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति मिल गया। नहीं तो ये भी सवाल उठता है ना मैम कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वहाँ रहेगी या राम मंदिर निर्माण के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत। मुझे लगता है कि ये सारे, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि वहाँ विश्व की बहुत बड़ी प्रतिमा बनेगी। बाकी आप योगी जी से सवाल करिए, वो इतने सक्षम और समर्थ व्यक्ति हैं, उनकी पीढ़ियों से ही राम भक्ति हुई है, उनने राष्ट्र रक्षा की है, हिंदुत्व की रक्षा की है, वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी एक संतों का समागम भी था दिल्ली में, वहाँ से धर्मादेश के रूप में निकला कि किसी भी हाल में वहाँ मंदिर बनना चाहिए, चाहे कानून लाए चाहे अध्यादेश लाए। तो आप आज भी साध्वी हैं, किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? नहीं, मैं तो कैसे देखूंगी, ये गवाह है कि मैं तो हमेशा से राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की हूँ। और मैं इस पर क्या सोचती हूँ, इसमें आपके हर चैनल के पास मेरी सीडी मौजूद है रिकॉर्डिंग। नहीं तो अभी इस तरीके का जो अध्यादेश पास हुआ है, आपको क्या लगता है कि उसमें कानून बनाए जाने की तुरंत जरूरत? मुझे काम में अपनी सरकार को यहाँ के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सलाह नहीं दूंगी। मैं सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मुझे जो कहना होगा मैं अंदर कहूँगी। अभी साध्वी प्राची ने भी कहा था कि 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस हुआ था और 6 दिसंबर को ही नींव भी रखेंगे, तो क्या जैसे विध्वंस हुआ तो वैसे ही नींव रखी जाएगी? अब इसका आपको उन्हीं से पूछना ना, ठीक है। चलो आ गए, और आप अयोध्या पे पूछने लगे, तो चुनाव के पहले आपको अयोध्या याद आ रही ना, हमें तो हमेशा याद आती है। पहले तो ये स्वीकार कर लो और रिकॉर्डिंग में स्वीकार करो कि हम 24 घंटे राम को याद रखते हैं, आप मीडिया वाले हैं जो सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं राम को, ठीक है। अब बात आ गई, क्योंकि अभी मैंने तो नहीं बुलाया आपको, नहीं ठीक बात है, ठीक है। और आपने सीधे अयोध्या ही पूछा, इसका मतलब कि आप चुनाव के पहले अयोध्या की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात पर। नहीं, आप खड़े थे तो मुझे आपसे बिना मिले आपकी अवहेलना थोड़े करती हूँ। अब आपने पूछा भव्य राम का वहाँ प्रतिमा बन रही है, बहुत मैं तो उस समाचार से बहुत खुश हूँ। चलो अब बताओ आगे, राम मंदिर भी बनना चाहिए वहाँ, इसमें आप चलो ना मेरे साथ कार सेवा करने। मैं तो हर जगह बोल चुकी, मैं उसी बात को कितनी बार रिपीट करूँ, आपके सारे चैनल के ऊपर मैं बोल चुकी हूँ, आप उसी को रिकॉर्डिंग को रिपीट करो। अब उसमें स्टैंड में बदलाव थोड़े कर रही हूँ मैं, तो नई बात क्या बोलूँ उसमें। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए भी है कि मैं एकदम राम जन्मभूमि के पास रहने वाला हूँ। तो चलो चलो ना आप मेरे साथ, अच्छी कितना अच्छा लगा मुझे ये सुन करके कि शंकर जी की नगरी में अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति मिल गया। नहीं तो ये भी सवाल उठता है ना मैम कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वहाँ रहेगी या राम मंदिर निर्माण के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत। मुझे लगता है कि ये सारे, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि वहाँ विश्व की बहुत बड़ी प्रतिमा बनेगी। बाकी आप योगी जी से सवाल करिए, वो इतने सक्षम और समर्थ व्यक्ति हैं,
उनकी पीढ़ियों से ही राम भक्ति हुई है, उनने राष्ट्र रक्षा की है, हिंदुत्व की रक्षा की है, वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी एक संतों का समागम भी था दिल्ली में, वहाँ से धर्मादेश के रूप में निकला कि किसी भी हाल में वहाँ मंदिर बनना चाहिए, चाहे कानून लाए चाहे अध्यादेश लाए, तो आप आज भी साध्वी हैं, किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? नहीं, मैं तो कैसे देखूंगी, ये गवाह है कि मैं तो हमेशा से राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की हूँ, और मैं इस पर क्या सोचती हूँ, इसमें आपके हर चैनल के पास मेरी सीडी मौजूद है रिकॉर्डिंग। नहीं तो अभी इस तरीके का जो अध्यादेश पास हुआ है, आपको क्या लगता है कि उसमें कानून बनाए जाने की तुरंत जरूरत? मुझे काम में अपनी सरकार को यहाँ के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सलाह नहीं दूंगी, मैं सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मुझे जो कहना होगा मैं अंदर कहूँगी। अभी साध्वी प्राची ने भी कहा था कि 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस हुआ था और 6 दिसंबर को ही नींव भी रखेंगे, तो क्या जैसे विध्वंस हुआ तो वैसे ही नींव रखी जाएगी? अब इसका आपको उन्हीं से पूछना ना।